हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री फैक्टर में। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सरफराज स्वागत करता हूं आपका चैनल पे। आगे हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम से पहले इस वीडियो को आपको क्यों देखना चाहिए, माइनस मार्किंग की व्यवस्था है या नहीं है, और OMR में आपको क्या गलती नहीं करनी है। बेसिकली कह सकते हैं कि एग्जाम से पहले ये वीडियो आपको जरूरी देखना चाहिए। तो यदि आप वीडियो पे आ गए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को करो शेयर, क्योंकि ये चैनल आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी प्रोवाइड कराता है। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, एक दो दिन में आपका 3 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम से पहले 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उस एडमिट कार्ड को आप बारीकी से पढ़ लें, उस पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हों, जो भी आपको उसके साथ ले जाना हो उसके सब मेंशन होंगे, उसको लेके आपको जाना है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं जो भी लोग एमए और एमएससी का किसी भी सब्जेक्ट से एंट्रेंस दे रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उनको पेपर सॉल्व कैसे करना है, जो उनका पेपर होगा, पेपर जो उनका है उसको वो सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका पेपर होगा वह 3 खंडों में डिवाइड होगा, ध्यान सुनिएगा, 3 खंडों में आपका पेपर डिवाइड होगा। और ये जो पेपर होगा, ये आप जानते हैं कि ये पेपर 300 नंबर का होता है, ये पेपर आपका 300 नंबर का होता है और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। यदि आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो 2 घंटे 10 मिनट का समय मिलेगा। खंड एक में होंगे आपके 50 क्वेश्चन, और जो ये 50 क्वेश्चन होंगे ये सामान्य होंगे। कैसे होंगे क्वेश्चन? ये सामान्य होंगे, आपको सीटी की आवाज सुनाई दे रही होगी लेकिन आप इस पे ध्यान दें। 50 क्वेश्चन सामान्य होंगे, इसमें आपको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जीएस, रीजनिंग और करंट अफेयर मिला के क्वेश्चन होंगे। इसमें आप ये सवाल ना करें कि आपको हिंदी करना है या अंग्रेजी करना है, आपको दोनों करना है। ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ये आपके 2 नंबर के होंगे, टोटल आपके जो नंबर बनेंगे 100 नंबर आपके यहां से इससे बनने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जो 2 खंड होंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको समझ लीजिए, काफी परेशानी होती है। ये 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके, यह आपके स्नातक के अंतिम वर्ष के जो विषय होंगे उससे होंगे, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। जब आपने फॉर्म डाला होगा तो उस फॉर्म में यह मेंशन किया होगा कि आपके लास्ट ईयर के 2 विषय क्या थे, तो उन्हीं दोनों विषयों से 50 क्वेश्चन ये आएंगे, 50 क्वेश्चन ये आएंगे। मान लीजिए आपने आपके स्नातक में जो 2 सब्जेक्ट हैं उसके अलावा आप किसी अन्य सब्जेक्ट से एमए करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना होगा जो आपके स्नातक में हो। ऐसा नहीं है जैसे आपने हिंदी से एमए करना चाहते हैं, ये आप बीएससी किए हुए हैं तो बीएससी के जो लास्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट होंगे उसी को आपको करना होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये 50 क्वेश्चन आपके भूगोल के हो गए और ये 50 क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र के हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, 200 नंबर ये बन जाते हैं आपके और 200 नंबर आपके ये बन जाते हैं 4 नंबर से। तो देखिए, आपको 50 क्वेश्चन सबसे पहले ये करना है, उसके बाद जो आपने पहला प्रिफरेंस भरा है सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप इसमें से कोई एक ही करना चाहते हैं, जैसे आपने स्नातक अंतिम वर्ष भूगोल और अर्थशास्त्र किया और आप चाहते हैं कि मैं केवल भूगोल से ही एमए करना चाहता हूं, मुझे अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इस 50 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, केवल इसको और इसको कर सकते हैं। इस 100 नंबर और इस 200 नंबर को मिलाकर 300 नंबर का आपका एक कटऑफ बनेगा, इस 100 नंबर और इस 200 नंबर को मिलाकर 300 नंबर का आपका एक कटऑफ बनेगा। तो आप हमारी बात को समझ गए हैं कि यदि आप चाहते हैं कि मैं दोनों विषयों में एंट्रेंस दूं और जिसमें मेरा ज्यादा नंबर आए मैं उसमें कर लूं, तब आपको दोनों सॉल्व करने होंगे। यदि आप एक चाहते हैं तो एक 50 क्वेश्चन ये करेंगे और 50 क्वेश्चन ये करेंगे, ठीक है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जिससे आपको एमए करने की ज्यादा संभावना है, जो आपका फेवरेट विषय है पहले उसको करें। जो आपका पेपर होगा उस पेपर में सभी सब्जेक्ट सभी विषय के पे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को उस पेपर को, जैसे मान लीजिए आपका पहला सामान्य है तो ये सामान्य सबके लिए एक बराबर होगा, सबको सबसे पहले यही दिया रहेगा। उसके बाद आपको अपने पेपर में ढूंढना है कि भूगोल के 50 क्वेश्चन कहाँ पे हैं, उसको ढूंढ कर उसको करेंगे आप, फिर इसको ढूंढ के इसको करेंगे। तो जहां तक एग्जाम पैटर्न का मामला है ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अब हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, माइनस मार्किंग। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि माइनस मार्क है या नहीं है। तो इसका जो प्रोसेस जारी किया जाता है, जो ब्राउचर जारी किया जाता है टीजीटी का, उसमें माइनस मार्किंग का कहीं भी नामो निशान नहीं है और इस हिसाब से माइनस मार्किंग नहीं है। तो 99% क्लियर है कि माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन एग्जाम देने से पहले जो आपका पेपर होगा उस पर पढ़ लीजिएगा, कहीं मेंशन तो नहीं है। वैसे एकदम क्लियर है कि माइनस मार्किंग नहीं है। अब सबसे लास्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आप ओएमआर में अगर कुछ गलती कर देते हैं तो आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो क्या गलती आपको नहीं करना है? सबसे पहले क्या होगा, आपको जो ओएमआर मिलेगा वो 150 उसमें आप होंगे प्रश्न, 150 प्रश्न के ऑप्शन होंगे। 50 प्रश्न जो आप करेंगे ये 50 प्रश्न सामान्य वाले करेंगे, ये शुरू से होंगे। उसके बाद जो बाद के आप 50 क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर का एक कोड होगा, इस पे क्वेश्चन पेपर का कोड होगा, उस कोड को अपने ओएमआर पे आपको भरना होगा। तो ध्यान पूर्वक उस कोड को अपने ओएमआर पे डालिएगा। यदि उस ओएमआर पे कोड न मांग के सब्जेक्ट के आगे गोला दिया होगा तो उसको भी आपको गोला करना होगा। जैसा भी होगा, क्लास के जो टीचर होंगे वो आपको बताएंगे, उस हिसाब से आप उसको कर लीजिएगा। तो इस कोड को ध्यान पूर्वक भरिएगा। नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो चीजें होती हैं इसको बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा। यदि इसमें कहीं भी गलती हो जाती है, यदि आप वाइटनर लगाते हैं या उसको काट देते हैं या खुर्च कर देते हैं, तो वो मान्य नहीं होगा और आपका जो एमआर होगा वो चेक नहीं होगा और जब रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट नॉट फाउंड डिक्लेयर करेगा। तो इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा फॉर्म। 10 मिनट समय लग, 10 मिनट पेपर लेट करिएगा, लेकिन जो ओएमआर सीट होगी आपकी उसको काफी अच्छे से करिएगा। यदि इसमें गलती करते हैं तो आपका जो फॉर्म है, जो आपका रिजल्ट होगा वह रिजेक्ट हो जाएगा और आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही आप लोगों के लिए। जैसे कोई एडमिट कार्ड से संबंधित सूचना आती है तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना न भूलें और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।